to copy link. Pizza Point, Kangor. For delicious moments. अजमेर डिस्कॉम क्षेत्र के 10 जिलों के फैक्ट्री मालिकों ने सोमवार को सामूहिक रूप से बिजली कनेक्शन कटवाने के लिए हाथीभाटा पावर हाउस में एमडीबीएम भामू को आवेदन दिया। राजस्थान माइनर मिनरल उद्योग संघ के प्रदेश संयोजक सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने बताया कि राज्य के मिनरल उद्योगों का कच्चा माल सीधे पड़ोसी राज्यों में जाने लगा है। इस कारण फैक्ट्रियों के हालात एक साल से खराब है। इस संबंध में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को कई बार ज्ञापन देकर मांग की जा चुकी है। गत 2 अगस्त को तो सरकार ने इस संबंध में आश्वासन भी दे दिया था, मगर अब तक इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सोमवार को 10 जिलों की 15 एसोसिएशन की ओर से पटेल मैदान से रैली के रूप में पहुंचे सभी मालिकों ने लिखित में आवेदन कर कनेक्शन कटवाने का आवेदन किया। अजमेर डिस्कॉम के करीब 3000 ऐसी मीडियम और स्मॉल फैक्ट्रीज है जिसमें फेल्सपार पाउडर का निर्माण हो रहा है। उनमें से काफ़ी लोग यहाँ आज आए थे और उनकी मुख्य डिमांड ये थी कि उनके कनेक्शन काट दिए जाएँ। तो मैंने उनसे पूछा कि कनेक्शन क्यों कटवा रहे हैं, क्या कारण है। तो उनका कहना था कि हमें जो कच्चा माल है वो हमें नहीं मिल रहा और राज्य से बाहर जा रहा है। तो मैंने उनसे निवेदन किया कि ये जो आपकी समस्या है, सरकार से जुड़ी हुई समस्या है, तो आप उनसे वहाँ पर जाकर वार्ता कीजिए। इस समय मैंने नवीन महाजन साहब से बात की कि इस तरह से लोग आए हैं, उन्होंने भी इनको कल का टाइम दिया है और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि कनेक्शन नहीं कटवाया जाए, जिससे कि न केवल उद्यमी बल्कि जो वहाँ पर मजदूर हैं उनके परिवार भी उससे जो है बेरोज़गार नहीं हों। और अजमेर डिस्कॉम का भी चूँकि इतने बड़े वृद्ध स्तर पर यदि इंडस्ट्रीज़ के कनेक्शन कटते हैं तो निश्चित रूप से हमें भी नुकसान है। तो उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट को स्वीकार किया है और वो वार्ता के लिए कल जाएंगे जयपुर में, और उसके बाद में जो भी कार्रवाई होगी। मैंने उनको ये कहा है कि आप कनेक्शन कटवाएं नहीं, यदि आपको कच्चा माल नहीं मिल रहा है तो आपका बिजली का बिल कम आएगा, उस हिसाब से आप कनेक्शन को चालू रखें। के 10 जिलों में फैले 3000 की संख्या में लघु उद्योग और 50 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करते हुए जो एमएसएमई उद्योग हैं फेल्सपार के, जिनकी गत 5 वर्षों से एक मांग चल रही है कि राजस्थान से कच्चा खनिज बाहर न जाए, तो पिछले 10 महीनों से हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। सरकार ने हमारी बात पर विचार भी किया है। 30 जुलाई को हम लोग माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब डीबी गुप्ता साहब से मिले, उन्होंने प्रधान सचिव खान अपर्णा अरोड़ा जी से बात करी, उन्होंने अपनी पूरी संतुष्टि जताई और राजस्थान से जो हमारी मांग है कि कच्चा खनिज फेल्सपार लम्स दाना व गिट्टी के रूप में बाहर न जाए, सिर्फ पाउडर के रूप में ही जाए, जिससे कि राजस्थान की 3000 इंडस्ट्री बच जाए, उसके ऊपर उन्होंने हमें आश्वासन दिया। तो हम उस दिन भी विद्युत कनेक्शन कटाने के लिए उनके पास फाइल लेके गए थे। उन्होंने हमें ये आश्वस्त किया कि हम ऐसा आपकी मांग को पूरा मान रहे हैं और आप लोग ये विद्युत विच्छेद संबंध विच्छेद न कराएं। उसके बाद में 2 अगस्त को खान मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह जी टीटी साहब ने इस बात की घोषणा कर दी उद्योग मंत्री जी को साथ लेके कि साहब राजस्थान से कच्चा फेल्सपार लम्स गिट्टी व दाने के रूप में बाहर नहीं जाएगा। लेकिन उसके बाद ये 50 दिन होने को आए हैं, अभी तक इसके ऊपर कोई क्रियान्वयन आदेश जारी नहीं हुआ है। तो अब हम सब थक गए हैं, हार गए हैं। राजस्थान की जो 3000 इंडस्ट्री है ये करीब करीब बंद हो गई है। तो हम दुखी आत्मा से आज राजस्थान सरकार को जगाने, उदासीनता त्यागने के लिए एवीवीएनएल की मध्यस्थता करवाना चाह रहे थे कि यहाँ के एमडी साहब हमारी बात को आगे पहुँचा कि साहब आप और हम तो एक ही, हम उनसे बिजली खरीदते हैं और हमारा माल आगे नहीं बिक रहा है। तो हमने इनसे निवेदन किया कि आप हमारे विद्युत संबंध जो है वो विच्छेद करावें और हमको सिक्योरिटी राशि लौटा देवें, हम कोई दूसरा धंधा ढूंढेंगे, ये फेल्सपार में जो हमारा इन्वेस्टमेंट है ये नहीं चलेगा। आज विश्वकर्मा दिवस है, एमएसएमई दिवस के रूप में राजस्थान सरकार इसको मना रही है और जयपुर होटल क्लार्क्स आमेर में आज एमएसएमई दिवस मनाया जा रहा है। तो उस कड़ी में हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि एक तरफ तो आप राज्य के अंदर स्मॉल और मध्यम स्केल के उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए पॉलिसी बना रहे हैं, और जो इंडस्ट्री लग गई है, जो सरकार के विश्वास पर आज तक ये इंडस्ट्री लग के इन्वेस्टमेंट किए जा रही है, वो बंद हो रही है। हम सरकार से मांग करेंगे कि इसके ऊपर 5 दिन के अंदर अंदर। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।